मित्तल पूछ रहे हैं, दो फंड्स के पोर्टफोलियो में कितना मिनिमम ओवरलैप हो कि दोनों फंड रखने चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन शिवम जी. आइडली तो देखिए ओवरलैप जितना कम हो उतना बेटर रहेगा, उतना ज्यादा आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा. देर इज नो पॉइंट हैविंग टू सिमिलर काइंड ऑफ थीम्स और सिमिलर फंड मैनेजर्स और सिमिलर अंडरलाइंग पोर्टफोलियोज इन अ थिंग, अगर दोनों ही पर आप कर नहीं पाएंगे. बिकॉज क्या होता है कि सारे ही लोगों को बैंक्स लेने ही पड़ते हैं, बिकॉज बैंक्स 30-35% वेटेज है इंडेक्स का. सबको रिलायंस सबके पोर्टफोलियो में मिलेगा, सबके पोर्टफोलियो में ICICI बैंक मिलेगा, TCS मिलेगा, इन्फोसिस मिलेगा, तो रेप्लीकेशन होगा. बट देखिए कोशिश करिए कि 25 से 30% से ज्यादा पोर्टफोलियो रेप्लीकेट ना हो, दैट्स अ गुड लेवल. उसके ऊपर का रेप्लीकेशन है तो प्लीज मत लीजिए वो सिमिलर स्कीम्स. कोशिश करिए कि उससे कम आपका ओवरलैप हो.